है कि बाज़ औक़ात हम बैंक में पैसे रखवा देते हैं और वहाँ पर सेविंग अकाउंट में जैसे रखवा देते हैं तो कुछ सूद वगैरह बन जाता है, तो क्या करें? उस पैसे सूद को छोड़ दिया जाए या उसको लेकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो किस मद में इस्तेमाल करें? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारा मशवरा होगा कि आप करंट अकाउंट में रखवाएं, सेविंग अकाउंट में ना रखवाएं, कि खामखा उस पर सूद बनता है। और जब आप उस अकाउंट में रखवाते हैं, सूद बनेगा, तो हो सकता है कि उसका कोई गुनाह का असर आप पर आए। दूसरी बात यह है कि अगर बिलफर्ज आपको पहले इल्म नहीं था, आपने बैंक में पैसा रखवा दिया, सेविंग अकाउंट में रखवा दिया और उस पर सूद बन चुका है। अब इसमें दो आरा हैं उलमा की जो आप कबूल करना चाहें। बाज़ तो ये कहते हैं कि उस पैसे को छोड़ दिया जाए, बैंक उसका क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये आपका हेडिक नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने सूद देने वाले, सूद लेने वाले, इस पर गवाह बनने वाले और इसको लिखने वाले, इन चारों पर लानत फरमाई और ये चारों गुनाह में बराबर हैं। तो इसलिए वो उलमा इसको दलील बना के कहते हैं कि आपका लेना ही गुनाह है, उसको ना लीजिए, छोड़ दीजिए। बाज़ दूसरे उलमा हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो हो सकता है कि इसको किसी सूदी मामले में ही लगाया जाए और इस सूद से मजीद के सूदी मामलात में आसानी पैदा होगी। अगर किसी के करोड़ों रुपए हैं तो लाजिम बात है कि उस पर लाखों सूद बनेगा। अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो ये लाखों रुपया जो है वो सूदी मामलात में हो सकता है इस्तेमाल कर लिया जाए। इसलिए वो कहते हैं कि अब यहाँ दो जरर जमा हो गए, छोड़ दें तो सूदी मामलात में पैसा लग सकता है, ले लें तो सूद लेने का वबाल होगा। तो ये दो जरर जमा हो गए, और जहां दो जरर जमा हो जाए वहां पे छोटे जरर को इख्तियार कर लिया जाए तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगर कोई इस तरह करे कि दिल में कराहत रखते हुए नापसंदीदगी के साथ इस इजाफी पैसे को लेकर अपने लिए ना ले बल्कि बगैर सवाब की नीयत के किसी भी गरीब को दे दे तो इससे फायदा ये होगा कि चले गरीब का फायदा हो जाएगा, उस पैसे को छोड़ दिया जाता तो उल्टा गलत कामों में शायद वो इस्तेमाल हो जाता, वो जवाब का फतवा देते हैं। तो आपको अब इजाजत है कि आप चाहे ये फतवे पे अमल कर लें चाहे ये पर अमल कर लें, वो तकवे के साथ है जो पहले वाला के छोड़ दीजिए, और ये फतवा है। और ये दौर वैसे ऐसा चल रहा है कि इसमें अपनी जात के लिए तो आप तकवा इख्तियार कर सकते हैं, दूसरों के लिए फतवा ही हो तो ज्यादा बेहतर है। तो लिहाजा बहरहाल अब आप जो फैसला करना चाहें वो आपके लिए आपके